चावल से आपने पुलाव खिचड़ी तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन शायद ही आपने कभी चावल से मिठाई बनाई होगी। आप एक बार ये मिठाई बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इस मिठाई को बनाने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आप ये मिठाई परफेक्ट बना पाएंगे। हेलो, राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें एक कटोरी घी डालेंगे। अगर आपके पास पहले से किसी मिठाई से बचा हुआ घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें हम एक कटोरी चावल डालेंगे। आपको जितनी मिठाई बनानी है आप उस हिसाब से चावल ले लीजिए, और चावल को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है और लगातार चलाते रहना है, नहीं तो जो चावल नीचे है वो जल जाएंगे। ये देखिए, चावल का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब भी हमें इन्हें थोड़ी देर और फ्राई करना है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जब ये हल्के वाइट हो तभी इन्हें निकालने, क्योंकि हम इसके ऊपर घी डालेंगे तो ये और ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे। और ऐसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई बारीक वाला जा रहा है तो आप उससे निकाल लीजिए। ये हमने सारे चावल को छलनी में निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल देते हैं। आप वो प्लेट ले लीजिए जिसमें आपको ये बर्फ़ी जमानी है, ताकि उसमें घी पहले से ही लग जाए और ज़्यादा बर्तन ना हो। अब हमने जो एक्स्ट्रा घी था वो निकाल दिया, और थोड़े से घी में हम थोड़े से काजू और बादाम फ्राई कर लेंगे। बचे हुए घी से आप और भी कोई मिठाई बना सकते हैं। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है, और अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक सिक जाएंगे। ये हमारे काजू बादाम फ्राई हो गए। अब हम एक कटोरी मखाने लेंगे। मखाने इसमें ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जब ये फ्राई हो जाए तो इन्हें भी हम चावल के साथ ही निकाल लेंगे। जब तक हमारे चावल ठंडे हो रहे तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। ये हमने एक कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी लिया है। गैस ऑन कर देंगे और इसे चलाते हुए चाशनी को बना लेंगे। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम चावल को पीस लेते हैं। चावल ठंडे हो गए तो अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में डालेंगे, और काजू बादाम और ये मखाने सभी को साथ में ही पीस लेंगे। इन्हें हमें दरदरा सा पीसना है। ये देखिए, प्लेट में घी लगा हुआ है तो ये बर्फ़ी जमाने में प्लेट काम आ जाएगी। ये हमने चावल का दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब हम चाशनी देख लेते हैं। चाशनी को हमें थोड़ी देर और पकाना है, जब ये हल्की सी गाढ़ी होने लग जाएगी तब तक गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे। ये देखिए, चाशनी गाढ़ी हो गई है। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका एक हल्का सा तार बन रहा है। हमें चाशनी को इतना ही पकाना है। अब हमने जो चावल का मिश्रण बना के तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। और इसे चलाना है हमें लगातार, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिठाई गाढ़ी होने लगी है। अब ये जमने की फॉर्म में आ चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
प्लेट में हमारे पहले से ही घी लगा हुआ है, तो दोबारा घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारी मिठाई को इसमें निकालेंगे और इसे फैला लेंगे। इसे हमें अभी गरम गरम में ही फैलाना है, नहीं तो बाद में ये जम जाएगी। अब हम ये कोई दूसरा चम्मच ले लेते हैं और इसे ऐसे बराबर सेट कर देंगे। उस चम्मच में मिश्रण लगवा था ये, तो ये अच्छे से सेट नहीं हो रही थी। ये देखिए, हम मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे एक घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं। एक घंटे में मिठाई अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हल्का सा ऐसे टेप करेंगे तो मिठाई आराम से निकल जाएगी। अब हम इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मिठाई चिपक गई थी, तो इसे सेट कर लेते हैं। इसे आप चाहे तो काजू कतली के शेप में या स्क्वायर शेप में, जैसे चाहे वैसे काट लीजिए। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये हमने सारी मिठाई को अच्छे से काट ली है। अब मैं आपको देखिए एक पीस दिखाती हूँ कितनी अच्छी मिठाई बनके तैयार हुई है। इसे खा के कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये चावल से बनी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।